कि ये संविधान में दर्ज है कि ये जो नगर निगम है वो स्वयं सेल्फ गवर्निंग बॉडी होती है, उसको अधिकार है कि हमको टैक्स कैसे और किस प्रकार लेना है। तो फिर इस तरह के अध्यादेश लाना कहीं से भी अच्छा नहीं है, ये कहीं न कहीं ये काला कानून है और इस काला कानून का हम जिला व्यवसायिक सुरक्षा वाहिनी विरोध करते हैं। लागू किया है, मैं इसका कल से विरोध करना शुरू कर दूंगा। मैं हर ऑफिस को बंद कर दूंगा, पर जितना भी प्रतिष्ठान है सबको बंद कर दूंगा, लेकिन आप लोगों को साथ चाहिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये पूरे बिहार में कानून हमारे सबसे बड़ा गलत आया है। क्या मैंने इसीलिए सरकार को बनाता है, इसीलिए सरकार को मैं बना रहा हूं? क्या ये नियम है बतलाइए? 2013 से ये टैक्स लग गया है और 3 गुना बढ़ा दिया गया उसका, ये हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। ये संस्थानों पर प्रॉपर्टी टैक्स 1.5 गुना से 3 गुना बढ़ा दिया है और ये उन्होंने लागू किया है। ये गजट जो है आपको 15 मई 2013 को है और कहा गया है कि उसी समय से आप लोगों को ये टैक्स लगेगा, ये 3 गुना टैक्स। हर एक चीज़ पर टैक्स आप लगाइएगा तो एक तो व्यवसायी लोग आप कितना लोगों को रोज़गार देता है, बहुत लोगों को रोज़गार देता है। एक एक जो कर्मचारी होते हैं उनका परिवार खाता है और आप व्यवसायी लोग को ही मारना चाहते हैं, वो कहाँ से व्यवसाय कर पाएगा? पहले क्या था कि कृषि भूमि या पड़ता ज़मीन पर टैक्स नहीं लगता था, उस पर क्या किया गया है कि उस पर भी टैक्स लगा दिया गया है। एक शहरी क्षेत्र में यदि है वो प्रधान सड़क पर है तो लगभग 20,000 रुपया 1 बीघा पर 1 साल में टैक्स, यदि वो मुख्य सड़क पर है तो 15,000 रुपया 1 साल में टैक्स उस पर, और यदि अन्य सड़क पर है माने पंचायत एरिया में जो ज़मीन आया है नगर निगम में उस पर आप 10,000 रुपया टैक्स प्रतिवर्ष लगा रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? एक किसान मुश्किल से 10,000 रुपया कमाएगा, वो सब आप ही को दे देगा तो उसके बाल बच्चे तो भूखे मरेंगे। बहुत लोग तो दूसरे जमींदारों से ज़मीन ले करके खेतीबाड़ी करते हैं, वो सब कहाँ जाएंगे? और जहाँ तक अब सवाल ये है कि व्यवसाय के लिए जो भवन बनते हैं वो लोग किराए पर लगाते हैं, तो अब वो लोग क्यों भवन बनाएंगे जबकि वो टैक्सी ले लेगा, इनकम टैक्स से भी ज़्यादा टैक्स वो ले लेगा। अब देखिए ज़मीन उमीन का राजस्व कितना होता था, 200-300 रुपया मुश्किल से लगता था 1 बीघा पर, अभी 10,000-20,000-15,000 कर दिया तो कहाँ किसान जाएंगे जो नगर निगम क्षेत्र में हो या नगर पंचायत क्षेत्र में हो चाहे वो नगर परिषद क्षेत्र में। तो यह बहुत ही अन्याय है, काला कानून है। अभी देखिए एक आदमी ने हमको शिकायत किया कि हमारा एक परिसर बैंक को किराए लगाए हुए हैं, हमारा 17,000 रुपया हम टैक्स देते हैं नगर निगम को, जबकि हमको क्या सुविधा है? हमको तो कोई सुविधा नहीं है, चूँकि हमारा प्रॉपर्टी है तो 17,000 रुपया, अब उसको 51,000 रुपया कर दिया है। अभी हम अपने मोबाइल में देखे थे कि किसी एक आदमी का 2 लाख का डिमांड किया गया, कोई बिशनपुर का है उसके ज़मीन का। तो ये सब बहुत अन्याय है, उससे क्या होगा कि हम लोग जो एम्प्लॉय लोग को पालते हैं वो सबको यदि व्यवसाय बंद कर देंगे तो लोग कहाँ जाएंगे? जहाँ तक शिक्षण संस्थान है, एक तो आप शिक्षण बढ़िया शिक्षा आप दे नहीं पा रहे हैं सरकारी शिक्षण संस्थान में, आपके पास वो साधन नहीं है। और जो आदमी खुद पढ़ लिख करके एक शिक्षण संस्थान खोलता है, एक छात्रावास बनाता है, उसका भी आप 1.5 गुना बढ़ा दिए, तो ये सब क्या है? ये सब तो ज़्यादती है। आप अस्पताल लीजिए, जो आदमी लोग प्राइवेट अस्पताल खोलते हैं, जो आदमी लोग नर्सिंग होम खोलते हैं, वो लोग का आप टैक्स 1.5-2 गुना बढ़ा दीजिएगा, 3 गुना बढ़ा रहे हैं तो वो लोग कहाँ जाएंगे? वो हम लोग पहले जनता को जागरूक करने के लिए बुलाए हैं कि आप लोग आंदोलन कीजिए, आप लोग इसका विरोध कीजिए, आप लोग टैक्स नहीं जमा कीजिए। इतना ही नहीं, इतना ये काला कानून है कि यदि आप टैक्स नहीं जमा किए हैं तो उस पर आपको उस समय से ब्याज भी लगाया जाएगा, यदि आप नहीं दीजिएगा तो कुर्की जब्ती कर लिया जाएगा, ज़मीन को बेच दिया जाएगा। उसमें भी नहीं होगा, यदि आप नहीं दे सकते हैं तो आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है।
तो एक बिल्कुल काला कानून है। और यह 2013 से ये गजट निकाला गया है और अभी 2023 में ये अधिसूचना जारी किया गया है कि आप इस तरह से उसको वसूलिए। और तो और देखिए, संविधान का आर्टिकल 243 राजीव गांधी ने पावर दिया था, वो चाहते थे कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, लोग नगर निकाय में जाएं, पंचायती राज हो। 20 वर्ष से 1982 के बाद से लगभग 20 वर्ष तक चुनाव को रोक दिया गया था, न पंचायत का चुनाव होता था न नगर निकाय का। लेकिन जब राजीव गांधी ने आर्टिकल 243 में प्रावधान रखा तो आदमी लोग कोर्ट गए और सरकार को का ऑर्डर हुआ कि नहीं चुनाव होगा, तब से 2002 से चुनाव होने लगा। हम माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि इसका विरोध हो, आंदोलन हो, और तोड़ जनहित याचिका दायर हो कि हम लोग को व्यवसायिक लोग क्या होगा, यहाँ से चले जाएंगे, व्यवसाय करना बंद कर देंगे तो किसको नुकसान है। आप यदि अस्पताल से नर्सिंग होम से लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स तो कौन गरीब गुरबा पर पड़ेगा वो टैक्स। सरकार यदि आपकी मांगे नहीं मानती है तो बेगूसराय जिला व्यवसाय सुरक्षा वाहिनी आगे क्या कदम उठाएंगे। देखिए एक बात है, अभी आप लोग देखिए लोकसभा का चुनाव होने वाला है और नियम कानून कौन बनाता है, सरकार। सरकार अपने मैनिफेस्टो में रखे कि हम व्यवसायिक लोग से हम इतना प्रॉपर्टी टैक्स और इतना होल्डिंग टैक्स नहीं रखे जो इनकम टैक्स से भी ज़्यादा है और हर एक तरह से वो टैक्स ज़्यादा है, वो चीज़ इसको रखे। और हम उसी सरकार को जो व्यवसायियों के बारे में सोचेगा, जो व्यवसायियों के आर्थिक स्थिति को कमज़ोर नहीं करके उसे मजबूत बनाएगा, जो आर्थिक स्थिति को मजबूत बना करके राज्य को और देश को मजबूत बनाएगा, हम व्यवसायिक लोग उसी का साथ देंगे। को आज जिला व्यवसायिक सुरक्षा वाहिनी के बैठक में और साथ ही प्रेस रिलीज भी हमको जारी करना था और साथ ही साथ आपको संबोधित करना था, तो सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं और स्वागत के साथ साथ आपके माध्यम से हम कहना चाह रहे हैं कि आने वाला चुनाव लोकसभा का चुनाव है, उससे जस्ट ये हम व्यवसायियों के साथ जो इतनी बड़ी जायती थोपा जा रहा है वो आपके सामने है कि ये कानून जो है नगर विकास एवं आवास विभाग ने 2013 में जो तिगुना वृद्धि, डेढ़ गुना से तीन गुना जो वृद्धि हुआ है वो आज 2024 में एक दशक बाद 1 अप्रैल से वो चीज़ लागू होने जा रहा है और लागू होने के बाद 10 साल पीछे का टैक्स लिया जा रहा है। हम जिला व्यवसायिक सुरक्षा वाहिनी इसका पूरे बेगूसराय जिला व्यवसायिक जो की पूरी टीम इसका पुरजोर विरोध करती है, इसी साथ चेतावनी के साथ ये विरोध दर्ज करती है कि आने वाला लोकसभा के जो चुनाव होगा उस चुनाव में हम व्यवसायियों के साथ अगर इस पर विचार नहीं किया जाएगा तो जो केंद्र की सत्ता आएगी और बिहार की सत्ता भी आने वाला है जस्ट लोकसभा चुनाव के बाद, हम उस पर भी विचार करेंगे कि वैसे लोगों के साथ हम लोग भी विचार करके उसके विरोध में जाएंगे। अगर हमारे हित के बारे में अगर विचार करेगी तो हम उसके पक्ष में जाएंगे, हम तमाम बेगूसराय जिला के व्यवसायी, ये हमारा मूल चीज़ हमारा कहना है। और हम चाहते हैं आपके माध्यम से ये बात चला जाए कि आप देखे होंगे पूर्व में जो आर्टिकल है हमारा, उस आर्टिकल के संदर्भ में भी अभी चर्चा किए थे कि ये संविधान में दर्ज है कि ये जो नगर निगम है वो स्वयं सेल्फ गवर्निंग बॉडी होती है, उसको अधिकार है कि हमको टैक्स कैसे और किस प्रकार लेना है, तो फिर इस तरह के अध्यादेश लाना कहीं से भी अच्छा नहीं है। ये कहीं न कहीं ये काला कानून है और इस काला कानून का हम जिला व्यवसायिक सुरक्षा वाहिनी विरोध करते हैं। और विरोध ही नहीं करते हैं, हम 18 ब्लॉक में हमारा जिला व्यवसायिक सुरक्षा वाहिनी जो हमारी टीम है, हम वहाँ हर एक ब्लॉक में जाके और ज़रूरत पड़े तो हर प्रत्येक पंचायत में जाकर हम व्यवसायी जो हमारे व्यवसायिक लोग हैं उसके साथ मिल के हम इस काला कानून का विरोध करेंगे। और अगर इस पर विचार नहीं होगा आने वाला लोकसभा और विधानसभा चुनाव पर भी इसका असर दिखने को मिलेगा। यही आपको पत्रकार बंधु भाइयों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ जो इस सरकार ने जिस प्रकार के कानून लगाया है वो बहुत ही गंदी बात है। इतना ही नहीं है, हम लोग को खून से सिरिंच लेकर खींचना चाहता है जो अन्याय कर रहा है। अब मैं कल से ही इस चीज को जो टैक्स के बारे में आप लोग ये देख लीजिए, ये चीज जो लागू किया है
मैं इसका कल से विरोध करना शुरू कर दूंगा। मैं हर ऑफिस को बंद कर दूंगा, पर जितना भी प्रतिष्ठान है सबको बंद कर दूंगा, लेकिन आप लोगों को साथ चाहिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये पूरे बिहार में कानून हमारे सबसे बड़ा गलत आया है। क्या मैंने इसीलिए सरकार को बनाता है, इसीलिए सरकार को मैं बना रहा हूं? क्या ये नियम है बतलाइए? 2013 से ये टैक्स लग गया है और तीन गुना बढ़ा दिया गया, उसका ये हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे और हम लोग न्यायिक संघत से काम करेंगे। हम डीएम साहब से भी मिलेंगे आदरणीय, उसके बाद कल खुना मैं धरना प्रदर्शन भी हो रहा है, हम उसमें आप लोग को आमंत्रित करते हैं कि वहाँ भी हम लोग इसका संगठन को जा कर करके, और हम लोग अपना माननीय हमारे अध्यक्ष महोदय आलोक कुमार अग्रवाल साहब हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा एक अपना शिष्ट मंडल बनाए और हम लोग हर हालत में जा कर के ये कॉपी नगर आयुक्त महोदय को, वहाँ मेयर को दे और डीएम को दे, उसके बाद हम सीएम से भी देखेंगे, लेकिन इसकी लड़ाई पुरजोर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।